दोस्तों आज हम लोग परिवार और दोस्तों के साथ जा रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओंका पेरिगा नदी और नूरलुंगा बीच पर। जाने में एक घंटा जितना वक्त लगेगा हमें पहुंचने में। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नदी और बीच पे। जाने से पहले मैं ये ऊपर की साइड में जो बड़ा पार्क है जहां पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं और खाना पकाने के लिए भी गैस स्टोव और नहाने के बाद शावर लेने के लिए भी जो फैसिलिटी है बहुत ही अमेजिंग। दोस्तों हम यहीं से थोड़ा आगे जाने के बाद एक लुकआउट है जहां से नीचे की ओर पूरे समुद्र की शानदार तस्वीर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों यही रास्ते पर पैदल ट्रैक के दौरान समुद्र तट के कई किनारे पर काफी लुकआउट पॉइंट है जहाँ से आप ये नदी और समुद्र दोनों का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। मेरे पास में एक लुकआउट है जहाँ से मैं आपको अच्छे व्यू दिखा रहा हूँ और आप काफी सुंदर नजारे को कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। दोस्तों यही लुकआउट से काफी तस्वीर कैमरे में हमने कैद की और चले गए नीचे की ओर। दोस्तों ओंका पेरिगा काउंसिल ने टूरिस्ट लोगों को समुद्र तक जाने के लिए और इस नदी का आनंद या सर्फिंग करने के लिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है ताकि आप आसानी से नीचे जा सकते हैं। हम लोग जाएंगे नीचे की ओर। मैं आपको इस सीढ़ियों से जाने वाले रास्ते से नदी और समुद्र दोनों का जो अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ आप देख सकते हैं। दोस्तों आप अपना खाने पीने और या बैठने के लिए जो भी सामान लेके आए यही सीढ़ियों से साथ में लेके नीचे उतरना पड़ेगा। हम लोग भी टेंट चेयर्स और खाना पीना का भी सामान लेके आए तभी तो मजा आएगा दोस्तों ये नदी और समुद्र में एंजॉय करने का। दोस्तों मैं आपको ये ओंका पेरिगा नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ। ओंका पेरिगा नदी जिसे कोरना भाषा में नगंग की परी के नाम से काफी परिचित है ये एबोरिजिनल के टाइम से ये नाम रखा गया है। ये नदी महिलाओं के लिए स्पेशल थी इसलिए ये स्थान को नगंग की परी से जाना जाता है।
साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड क्षेत्र में स्थित ये नदी जो माउंट लॉफ्टी रेंज से निकलकर नदी का बहाव यही नूरलुंगा पोर्ट तक और आसपास के ऊपरी नगर तक फैली हुई है। ये नदी की लंबाई माउंट लॉफ्टी से यहाँ तक लगभग 88 किलोमीटर लंबी है और टॉरेंस नदी के बाद ओंकापेनिका नदी ये एडिलेड सिटी की दूसरी नदी है। यही एडिलेड लोगों के लिए पानी का मेन स्रोत भी है। दोस्तों, नीचे जाने के लिए जो सीढ़ियां काफी लंबी है, आपको थकान भी लगेगी, लेकिन आपके सामने जो दूर तक फैली हुई इस प्राकृतिक सुंदरता को देखना है तो थोड़ी सी सीढ़ियां उतरना ही है दोस्तों। लेकिन नीचे जाने के बाद जरूर कहूंगा दोस्तों, आपकी जो थकान है बिल्कुल गायब हो जाएगी। दोस्तों, नीचे आने के बाद सोच रहे टेंट कहां पर लगाया जाए ताकि गर्मी कम लगे। आज मौसम काफी गर्म है और अंत में हमने डिसाइड किया कि टेंट यहीं पे लगा लेते हैं, आगे कहीं नहीं जाना है। सालू भी गर्मी से बचने के लिए अभी बैठिए एक चट्टान के नीचे छुप कर। हेलो, कहानी बहुत मेहनत किए भाई, बहुत बहुत थक गए, बहुत थक गए, टेंट बांधते बांधते तो थक गए अभी। ये है इंडियन ढोकला श्री। तुम्हारे शू के उदय से ये खींचा, ये जेब वाला खींचा नहीं, खींचा वाला खींचा। ड्रेसिंग रूम से हमारो ये बाटला माटी नो मसालो ना आई जाए। अच्छा, चमची। दोस्तों, हमने टेंट भी लगा लिया, काफी वक्त लगा हमें टेंट लगाने में और इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जो हल्का फुल्का। अब जाएंगे नहाने दोस्तों। दोस्तों, इस जगह को द रिवर माउथ भी कहा जाता है जो सर्फिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। साथ ही आप कायाकिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वही नज़ारे सुंदर और नदी का प्रवाह गति जो है वो वास्तव में बहुत ही तेज है और लोग नदी से लेकर समुद्र तक तैर रहे। चट्टानों के कारण इस बीच का लुक सच में अमेजिंग और ब्यूटीफुल दिख रहा है दोस्तों। एक अच्छी फीलिंग भी आपको लगेगी।
दोस्तों हम दोनों ओंका पेनिका नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं बहुत तेज है और पानी भी एकदम चील है और यही नदी का पानी जा रहा है समुद्र की ओर। गर्मियों के समय में दोस्तों घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह ये। इस जगह पर आपको ब्यूटी के साथ साथ शांति भी जरूर मिलेगी दोस्तों। आप एक साथ समुद्र और नदी का नजारे का आनंद ले सकते है। हमने यहाँ नदी में काफी एंजॉय कर लिया दोस्तों। अब जाएंगे समुद्र की ओर। दोस्तों एडिलेड के कुछ पार्कों में जैसे कुत्तों को ले जाने की अनुमति है, उसी तरह बिल्कुल ओंका पेनिका नदी में भी आप अपने कुत्ते को ला सकते हैं और काफी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों समुद्र की जो लहरें हैं, किनारे से टकराते हुए लहरों की आवाज सुनना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों।
दोस्तों काफी वक्त निकलने के बाद शायद 1.5 साल के बाद हमने परिवार के साथ यहीं पर ओंका पेरिंगा नदी और समुद्र में एंजॉय किया। हम लोग 12 बजे आए थे और 4 बज चुके। बहुत एंजॉय करने के बाद यहीं से हम जाएंगे। मैं यहीं से 2 किलोमीटर दूर पोर्ट नुलुंगा बीच है जहां पर समुद्र के किनारे चलते चलते पैदल जाने वाला हूं। बाकी सब लोग ऊपर की साइड पार्क में जाएंगे जहां हम लोग नीचे आए थे सीढ़िया से। पोर्ट नुलुंगा तक पैदल जाना था इसलिए कोई नहीं आया। मैं और तेजस दोनों जा रहे हैं। मैं जाके वहां का जो सुंदर नजारे है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यही रिवर का पानी समुद्र में जा रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। यहाँ के लोकल बच्चे बड़े बड़े जंप लगा रहे हैं। यहाँ पर सिल्वर सैंड के साथ जो व्यू दिख रहा है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग व्यू। दोस्तों 30 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पोर्ट नुलुंगा। ये जगह मछली पकड़ने, सर्फिंग, कैनोइंग, पैदल चलने या सब समुद्री ताजी हवा खाने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों सिटी के बहुत करीब ऐसी सुंदरता पोर्ट नुलुंगा में सर्फिंग, कायाकिंग, स्नोर्केलिंग और तैराकी सभी आपकी उंगलियां पर है। बहुत सारे कैफे, पब, प्राचीन वस्तु की दुकानें भी यहाँ है और यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये गर्मियों में ज्यादा पसंदीदा जगह है सबके लिए। फिर भी यहाँ पर पूरे साल काफी टूरिस्ट आते रहते है। दोस्तों समुद्र का व्यू देखने के लिए पूरा समुद्र जहाँ से दिखाई दे रहा है वहाँ जाने के लिए यहाँ पर एक ट्रेल बनाया है जहाँ से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बीच का व्यू देखते देखते आप पूरा ट्रेल का एंजॉय करते करते आप लास्ट तक पहुँचेंगे। तो आपको जरूर वहाँ डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। हमें भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं डॉल्फिन को। दोस्तों पोर्ट नुलुंगा बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप परिवार के साथ आए और एंजॉय करें। और मैं यहीं से जा रहा हूँ। मुझे लेने मेरा बेटा राज यहाँ पर आ चुका है। बस यहीं से जाएंगे जहाँ पर सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और नुलुंगा के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ का जो टाउन है बहुत ही खूबसूरत है। उसका रास्ते का हम एंजॉय करते करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों एक चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि बीच पर नहाने के बाद शावर लेने के लिए यहाँ हर पार्क में शावर की फैसिलिटीज होती है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा।
दोस्तों गर्मियों के समय में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इस जगह पर आपको ब्यूटी के साथ साथ शांति भी जरूर मिलेगी दोस्तों। और एक अट्रैक्शन ये है कि वन साइड इज द रिवर एंड अदर साइड इज द ओशन, आप एक साथ समुद्र और नदी के नजारे का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। और यही साथ में कायाकिंग और सर्फिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम फ्रेश एयर पाने के लिए आप अपने साथियों और परिवार के साथ जरूर आए दोस्तों। ये निश्चित रूप से देखने लायक जगह है। आप यहाँ लुकआउट से कुछ अद्भुत तस्वीर ले सकते हैं जो मैंने अपने विजिट के दौरान क्लिक की थी। और निकलेंगे दोस्तों, अब रिटर्न होने का हमारा वक्त हो चुका है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों।